हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अपने अपने घर में रहिए और स्टडी करते रहिए, ठीक है? क्योंकि स्टडी हमारी कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सब लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी स्टडी करते रहना है, तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कोरोना का टाइम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्टडी को रोक दें, क्योंकि कोरोना आज या कल ख़त्म हो जाएगा। हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हमारे साथ आप स्टडी को स्टार्ट करते रहिए। तो हमारा जो 10 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसका हम आज फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क थ्योरी और सर्किट एनालिसिस। इसी को नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं या फिर सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं, सर्किट एनालिसिस भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। अगर अपन ने इसके बारे में स्टडी कर लिया तो फिर अपन सारे सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में अपन क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज, करंट। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अपन जनरली घर में देखते हैं, अपन घर में हैं तो अपन क्या है, वोल्टेज का यूज़ करते हैं, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो सारी चीज़ों के बारे में अपन इस सब्जेक्ट में स्टडी कर लेंगे। तो अपन को एक बेसिक क्या हो जाएगा, हमारा एक बेस बन जाएगा कि हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे फ्लो होती है, कहाँ से आती है। जब अपन उसको पढ़ लेंगे उसके बाद ही तो अपन पढ़ेंगे कि उसको अपन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको अपन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है? तो हम अपना सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरी, या फिर इसी को बोलते हैं सर्किट एनालिसिस, ठीक है? तो जो हमारा नेटवर्क थ्योरी है, सर्किट एनालिसिस, इसमें सबसे पहले अपन को दो चीज़ें स्टडी करनी है। पहला क्या है हमारा, सिंथेसिस, और दूसरा होता है एनालिसिस, ठीक है? एक होती है सम सिंथेसिस और एक क्या होता है हमारा, एनालिसिस, ठीक है? तो सिंथेसिस में जो अपन स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी करते हैं कि मान लो कि ये हमारा क्या है, सर्किट है। सपोज दैट ये हमारा सर्किट है, ठीक है? यहाँ अपन कोई भी एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है, और अपन रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है? कोई भी एक्साइटेशन दे रहे हैं और रिस्पॉन्स, यहाँ से एक्साइटेशन दे रहे हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है? तो सिंथेसिस अगर हमारा है, मतलब सिंथेसिस प्रोसेस है, तो इसमें मान लो हमारा एक्साइटेशन नोन है, रिस्पॉन्स भी नोन है, और अपन फाइंड क्या कर रहे हैं, सर्किट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंथेसिस, ठीक है? अगर अपन को एक्साइटेशन नोन है, रिस्पॉन्स नोन है, अपन सर्किट को फाइंड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। इसमें सर्किट फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ये पैरामीटर्स को फाइंड करना वो क्या कहलाएगा हमारा, सिंथेसिस, ठीक है? जस्ट एग्जांपल अपन समझ लेते हैं, ठीक है, कि मान लो अपन, जैसे सिंपल है, हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है? तो हम इसमें एक्साइटेशन दे रहे हैं हमारा, ठीक है, कि हमने आपको एक्साइटेशन दिया, इनपुट दिया, ठीक है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, नोन है, हमें पता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमें जो डिज़ाइन करना है, मतलब अगर आप के डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं डिप्लोमा के लिए पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो डिप्लोमा के लिए मेरे को पता है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जो अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं या हम जो भी आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं हमारा, ठीक है, कि ये हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इनपुट पता है, आउटपुट पता है, उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं हमारा, सिलेबस डिज़ाइन, मतलब सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिंथेसिस के अंदर, ठीक है? कि अपन को एक्साइटेशन नोन है, रिस्पॉन्स भी नोन है, उसके हिसाब से सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिंथेसिस के अंदर, ठीक है? वही अपन अगर एनालिसिस की बात करें तो सपोज दैट ये क्या है, सर्किट है, इसमें एक्साइटेशन और यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स, ओके। अगर अपन को एक्साइटेशन नोन है, सर्किट नोन है, ठीक है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स फाइंड करना है, रिस्पॉन्स वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस, मतलब किसी चीज को एनालाइज करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है वो क्या है, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे, रिस्पॉन्स में फाइंड करना है। तो सपोज दैट हम अपना ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने ये चैनल स्टार्ट किया, हम अपना इनपुट दे रहे हैं,
हमने अपना सिलेबस डिज़ाइन कर लिया, जैसे हमने आपको बताया था कि पहले हम सर्किट पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, तो हम अपनी तरफ से तो सर्किट डिज़ाइन कर चुके हैं, एक्साइटेशन भी पता है, सर्किट भी पता है। अब जो रिस्पॉन्स है वो आपके थ्रू आएगा ना, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसी से हमें पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दो टर्म अपन ने समझ लिए हैं जो कि समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा क्या, सिंथेसिस, और दूसरा क्या हो गया हमारा, एनालिसिस। ठीक है, सिंथेसिस में क्या होता है, एक सर्किट होता है, उसमें अपन इनपुट देते हैं एक्साइटेशन, और आउटपुट है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इनपुट एक्साइटेशन पता है, रिस्पॉन्स पता है, तो उसके बाद इनपुट पता है, आउटपुट पता है, बीच का सर्किट अपन डिजाइन कर रहे हैं, वो अपना किस में आ जाएगा, हमारा सिंथेसिस में। एनालिसिस क्या चीज होती है, इनपुट पता है अपन को, सर्किट पता है, लेकिन अपन रिस्पॉन्स उसमें फाइंड करेंगे, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये दो टर्म आप नोट कर लीजिए कि सिंथेसिस क्या होता है और हमारा एनालिसिस क्या होता है। ओके, तो ये बेसिक टर्म है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं वो नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, ठीक है, नेटवर्क सिंथेसिस करना, तो सिंथेसिस मतलब बनाना, कोई भी सर्किट डिजाइन करना, इनपुट पता है, आउटपुट पता है, उसके हिसाब से अपन, मान लो अपन को पता है कि अपन 4 वोल्ट वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमारा 2 एम्पियर करंट चाहिए हमारा, तो उसके हिसाब से जो हमारे सर्किट पैरामीटर्स हैं वो अपन फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना लगाना, इंडक्टेंस कितना लगाना, कैपेसिटेंस, तो वो आ जाएगा सिंथेसिस में। वही एनालिसिस में क्या है कि हमने इनपुट दे दिया, एक कोई हमारा सर्किट था, उसमें इनपुट दे दिया, अब अपन देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट कितना आएगा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, एनालिसिस में। ठीक है, तो ये हमारे दो टर्म्स हो गए आपके क्लियर। इसके बाद जो है वो अपन सबसे पहले जानेंगे, हमने क्या, नेटवर्क थ्योरी और सर्किट एनालिसिस, तो इन दो टर्म के बारे में स्टडी करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है हमारा और सर्किट जो है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क क्या है और सर्किट क्या है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अपन स्टडी करेंगे, नेटवर्क क्या होता है हमारा और सर्किट क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि नेटवर्क क्या है हमारा और सर्किट क्या है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है हमारा, नेटवर्क क्या है, इट इज अ क्लोज्ड लूप, क्लोज सर्किट हो सकता है और ओपन। ठीक है, दोनों हो सकता है, नेटवर्क क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक है, सपोज दैट अपन ये लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल है इस टाइप का। ठीक है, ये अपन ने 3 मान के चले, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, क्लोज हो सकता है या फिर ओपन भी। ये क्या है, क्लोज है, बट यहाँ से ओपन है, ये टोटल ओपन है, ये क्या है, क्लोज है। तो नेटवर्क क्या है हमारा, एक सर्किट मतलब जो कि क्या होता है, क्लोज हो या फिर ओपन हो, कुछ भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, बट सर्किट जो है वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज अ क्लोज लूप। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप होता है। ठीक है, सर्किट क्या है, क्लोज लूप भी हो सकता है और ओपन भी, सॉरी, नेटवर्क क्या है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी, लेकिन सर्किट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप होता है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये सर्किट है क्या, नहीं है, बट ये सर्किट है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये नेटवर्क भी है हमारा और सर्किट भी है। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें तो ये केवल नेटवर्क है, ये केवल नेटवर्क है, ये हमारा क्या है, सर्किट भी है और नेटवर्क भी है, बट ये क्या है हमारा, नेटवर्क है। तो सिंपल सा कि नेटवर्क जो होता है वो हमेशा क्लोज होता है, जबकि जो सर्किट होता है, सॉरी, नेटवर्क जो होता है वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क, हर एक सर्किट नेटवर्क होगा, क्योंकि सर्किट क्लोज होता है और नेटवर्क क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, तो हर एक सर्किट नेटवर्क होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी नेटवर्क इज अ सर्किट। ठीक है, तो हम कंक्लूजन यहाँ लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ये हमारे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो भी हमारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम हो गए, उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ लेते हैं कि नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या। आपको ऑप्शन में ही दे दिया कि नेटवर्क जो है क्लोज होगा, ओपन होगा, कि क्लोज ओपन दोनों होगा, कि कुछ नहीं होगा, तो ये टर्म समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क।
ठीक है, हर एक सेल के नेटवर्क होता है, बट एवरी नेटवर्क इज नॉट अ सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने सर्किट और नेटवर्क। ठीक है, हर एक सर्किट नेटवर्क होगा, लेकिन हर एक नेटवर्क जरूरी नहीं है कि हमारा सर्किट होगा ही। ठीक है, क्योंकि जो सर्किट है वो क्लोज होता है, नेटवर्क हमारा जो है वो क्लोज ओपन दोनों होता है। ठीक है, तो हर एक सर्किट नेटवर्क होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नेटवर्क सर्किट होगा ही। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन स्टडी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में अपन किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इसमें क्या स्टडी करता है, हमारा फ्लो स्टडी ऑफ ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें वो स्टडी करेगा स्टडी ऑफ ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कैसा हो रहा है, उसके बारे में केवल स्टडी करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल में अपन क्या पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, अपन उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की केवल स्टडी करता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में। वही अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनको कैसे, इनका जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उस फ्लो को, वो किसके में पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। क्या मतलब, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लो एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपन किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये सिंपल सा कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि अपन नहीं सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल में अपन केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपन किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसलिए आप लोग से बार बार बोल रही हूँ नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इजली कहीं भी पढ़ सकते हैं। और जो मैं बेसिक बेसिक टर्म बताती हूँ कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर कहीं भी, उसको आप एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए नोट टाइप की, उसमें आप लिखते जाइए, ताकि जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर कोई भी, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं इंटरव्यू देने तो अपन सोचते हैं अरे अब क्या पढ़ें, पता नहीं वो तो क्या पूछेंगे, बहुत सारा है, छोड़ देते हैं। तो ये बेसिक टर्म है, कम से कम आप इनको एक बार रिवाइज करके जाइए, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि हम कुछ पढ़ के आए हैं, और वो यही चीज़ें पूछते हैं, ये मेरा खुद पर्सनली अनुभव है। ठीक है, क्योंकि मैंने वॉक का भी इंटरव्यू दिया है, वहाँ भी मैं गई थी। ठीक है, तो वो ये सारी बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं कि हमारा क्या क्या होता है, सिंपल सिंपल सा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं पूछता है उसमें। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, अपन को सिंपल समझना है कि चार्ज क्या होता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि केमिस्ट्री के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में चले जाएं कि चार्ज क्या होता है हमारा, कैसे पॉजिटिव, मतलब उसमें कितना चार्ज है, क्या है। अपन को सिंपल समझना है कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें चार्ज का ही खेल है हमारा पूरा, कि चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक ला रहा है, उससे वोल्टेज बनता है। तो अपन पहले समझ लेंगे कि चार्ज हमारा क्या होता है। तो सिंपल अपन समझेंगे कि मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, एटम है। ठीक है, एटम जो होता है वो क्या होता है हमारा, ये उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, एटम के चारों तरफ क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसमें न्यूक्लियस होता है हमारा, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्या होते हैं,
रीजन होता है हमारा करंट फ्लो का, वोल्टेज का, ठीक है, सारी चीजों का हमारा क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं के कारण हमारा क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो अगर अपन कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, इफ एनी सब्सटेंस गिविंग देयर चार्ज टू अनादर सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की बात करें तो एटम, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर मतलब अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम है या सब्सटेंस है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और वही इलेक्ट्रॉन्स अगर दूसरे से एटम से कोई ले रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिंपली अपन समझे, अगर मान लीजिए हमने आपको कुछ भी पैसा उधार दिया है, हमने आपको कोई पैसा उधार दिया, मतलब हमने दिया है ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि हमारा जो पैसा है वो आपके पास सेफ है। मान लो हम अपना पैसा बैंक में सेफ कर देते तो हमने उन्हें दे ही दिया ना, तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं सेफ है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन दूसरे को दे देते हैं तो उस जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वही अगर अपन इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले रहे हैं, मतलब पैसे अपन दूसरे से लिए हैं, अपन को उसको देना, तो अपन को नेगेटिव एनर्जी रहेगी कि अरे हमें उसके पैसे लौटाने हैं, लौटाने एक हमारे ऊपर बोझ रहेगा। तो अगर अपन दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारे ऊपर कैसा चार्ज है, वो उसके सब्सटेंस के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो चीज़ें अपन को समझना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अपन मैग्नेट का समझते हैं, ठीक है, कोई भी अगर अपन मैग्नेट की बात करें तो अगर सेम पोल मैग्नेट है, ठीक है, सेम पोल मैग्नेट जो होती है, जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये क्या करते हैं, या साउथ पोल साउथ पोल, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं हमारे। और वही अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम क्या होता है हमारा, चार्ज के साथ भी, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज के बारे में एक बेसिक है कि चार्ज जो होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, अगर दूसरे से लेता है तो क्या आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। और ये जो चार्ज है क्यों, यही क्या होता है हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी का कारण होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये जब दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को जा रहे हैं तभी इस पे चार्ज आ रहा है ना, या इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है हमारा, चार्ज है। जितना अपन इसको दूसरे को देंगे उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना दूसरे से लेंगे उतना क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए।